अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ फिर से नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये वीडियो भी बहुत शॉर्ट है, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि इंसान दुनिया के अंदर नाकाम किस वजह से होता है। सिर्फ एक बेसिक वजह है, अगर इंसान उस पर अमल करेगा, उसको सही तरीके से डील करेगा, तो इंशाल्लाह वो अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होगा। चले अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, आप भी हमें बताएं कि लोग जिंदगी में नाकाम क्यों होते हैं। अच्छा, सबसे जो पहली और मेन और आखिरी वजह है मेरी नजर के अंदर, लोग अपने वक्त का ज़िया बहुत ज्यादा करते हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ एक वाहिद वक्त है जो एक दफा गुजर जाए तो दोबारा जिंदगी के अंदर नहीं आता। अब मैं आपको ना मिसाल देकर समझाता हूँ। अब एक बच्चा है, ठीक है, उसकी उम्र है 17-18 साल। अब वो उसका पढ़ाई में ना इतना जहन नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता, तो वहां पर उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए वो उस मौके के ऊपर अपनी पढ़ाई को स्किप करे और जो काम वो मुस्तकबिल के अंदर करना चाहता है उसकी तरफ रागिब हो जाए और वो सीखने की कोशिश करे। अब आप देखें, मिसाल के तौर पे उसकी उम्र है 18 साल। अब उसके घर वाले इस पे प्रेशर डालते हैं जबरदस्ती कि आपने पढ़ना है। अब उसका पढ़ाई के अंदर बिल्कुल जहन नहीं है। अब उसको जबरदस्ती वो पढ़ाई कराने के चक्रों में ना उसके 4 से 5-6 साल वेस्ट करेंगे पेरेंट्स। हाँ जी, पेरेंट्स भी वेस्ट करेंगे, बच्चे को बाद में एहसास होगा। ये आपको मैं सिर्फ छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके अलावा आगे और मजीद इसको डिस्कस करेंगे। अगर उस मौके के ऊपर 18 साल की उम्र में उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई को स्किप किया होता और जो काम उसने करना था वो उस काम को सीखने की तरफ चला जाता, तो 5 साल के अंदर उस काम को वो बहुत बेहतर तरीके से सीख के उसका एक बेहतर कारीगर हो जाता। 25 साल। हाँ, यानी कि वो 5 साल बहुत होते हैं किसी भी काम को सीखने के लिए, उसके अंदर एक्सपर्ट बनने के लिए। 18 से 23 साल, 5 साल गुजर गए। अब जो ये 23 साल, सिर्फ ये 5 साल के अंदर वो अपना खुद से बिजनेस कर सकता है। अगर उसी टाइम उसी वक्त उसके घर वाले जोर जबरदस्ती से उसे पढ़ाते रहते कि तूने पढ़ना है, ठीक है, वो जोर जबरदस्ती से थोड़े बहुत नंबर लेके पास होता रहता, लेकिन जो पढ़ाई उसने की होती वो आगे मुस्तकबिल में उसकी किसी काम नहीं आती थी। जो बच्चों के इंटरेस्ट है पेरेंट्स को चाहिए नहीं होता। हाँ जी, अब अगर आप लोगों को नजर आ रहा है ना कि आपका जो बच्चा है वो उसका पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, माँ बाप को वक्त से पहले नजर आ जाता है, उसको नजर आता है कि बच्चा कितना कुछ हो गया है, तो आपको चाहिए कि उसे फौरन से उस पढ़ाई से हटाएं, जोर जबरदस्ती ना करें। जिस काम में वो इंटरेस्ट ले रहा है उसको उस काम की तरफ जो है ना रागिब कर दें कि बेटे अगर तूने जिंदगी में करना है ना तो कर ले। इसी तरह अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कई लोग ऐसे हैं उनकी शादियाँ क्यों लेट हो जाती हैं, उसकी ना सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे आजकल यहाँ पे माशरे के अंदर ये चीज देखी जाती है, अगर आप कमाएंगे तो आपकी शादी होगी, यानी कि अगर आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, अपनी बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे तो आप शादी करेंगे। अब लोग नाकाम क्यों हो रहे हैं, मैंने आपको एक मिसाल दे दिया। फर्ज करें आपने 23 साल की उम्र में जाके आपको फिर आके पता लग रहा है कि यार मैंने पढ़ाई से मुझे कोई फायदा नहीं था या मैंने कोई काम भी नहीं सीखा हुआ। अब वो 25-26 साल की उम्र में वो काम सीखने जा रहा है, 5-6 साल उसको काम सीखने में लगेंगे, ठीक है। इस टाइम जो उसकी 25 से 30 साल की जो उम्र होती है ना, ये बड़ी इनर्जेटिक एज होती है। इसके अंदर इंसान के अंदर ना काम करने का, कुछ भी करने का जुनून होता है, चढ़ती जवानी होती है। अब वो 30 साल की उम्र में जाके काम सीखेगा, ठीक है, फिर 32-33 साल की उम्र में जाके उसने कोई कारोबार करना है। अब कारोबार भी रिस्क के ऊपर होता है कि चले या ना चले, यही उसने 22-23 साल की उम्र में किया होता, 1-2 साल उसको स्टैंड होने में लगने थे, उसके पास उसकी जिंदगी स्टेबल हो जानी थी। काम होने की वजह टाइम वेस्ट है। हाँ जी, टाइम वेस्ट है। उसके अलावा आप इसको कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। बाज दफा आप समझ लें कि आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने सही दोस्तों का इंतखाब नहीं किया, ठीक है, आप उनके साथ अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और वालदैन के लिए भी बहुत अहम है कि वो इसको सुने और अपने बच्चों को ना सही तरीके से गाइड करें, जो उनका इंटरेस्ट है उस तरह। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता हूँ, हमारे यहाँ पर पता क्या होता है, हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम लोग खुद पढ़ रहे होते हैं, हमारे घर वाले हमें पढ़ा रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि जो हम पढ़ रहे हैं आगे फ्यूचर के अंदर ये हमारे किस काम आएगा। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, अपने बहन भाइयों को देख लें, इवन कि आप खुद भी देख लें, किसी ने BSc करी होगी, किसी ने BA किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, लेकिन उनके पास फील्ड कोई नहीं होगी, नौकरी उनके उनको समझ ही नहीं आ रही होगी कि जो मैंने पढ़ाई की है इसकी मुझे क्या नौकरी मिलेगी। अब हमारे यहाँ पे जो है ना कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे ही मैट्रिक करते हैं ना, मैट्रिक के बाद उन्हें फील्ड पता होती है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि वो इंजीनियरिंग करें या डॉक्टर बने या कुछ भी बने, वो अपनी तैयारी गवर्नमेंट की शुरू कर देते हैं, साथ सिंपल सिंपल पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और जैसे टेस्ट देते हैं और वो अपनी जॉब उनको मिल जाती है, फिर उनको एक फील्ड मिल जाती है। इसलिए आपने कभी भी अपने टाइम जो है ना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। दुनिया के अंदर सिर्फ एक टाइम वाही चीज़ है जो अगर गुजर जाए नहीं आती, इंसान को बाद में पछतावा होता है, इंसान कहता है कि काश मैं उस वक्त अच्छा फैसला ले लेता, ठीक है। और इसके अलावा और कोई बात आपने इसमें ऐड करनी है?
बस ये वीडियो छोटी सी थी, आपको सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने जिंदगी में अगर टाइम को मैनेज कर लिया ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये टाइम है, अभी है, कल होगा, परसों होगा, लेकिन जो गुजर गया होगा वो वापस नहीं आएगा। ले हमें इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।